में मौजूद माइक थोड़ा बेहतर कर दे, माइक की आवाज थोड़ी बेहतर कर दे। यहां मेरी आंखों के सामने जो साथी, थोड़ा बेस इसका कम कर दें, इको थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा सा इसको। मंच पर मौजूद साथियों से गुजारिश है कि थोड़ा सा आज के इस कार्यक्रम में मौजूद महाविकास अघाड़ी के सारे घटक दलों के साथी, हम सब यहां अनिल देसाई जी के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं जब आया तो राज्यसभा में हमारी साथी प्रियंका चतुर्वेदी जी अपना भाषण कर रही थी। अभी सागर संसारे साहब ने बोला, बहुत अच्छा बोला। उपेंद्र दोषी जी, नैना दोषी जी, एनसीपी के हमारे साथी आरिफ साहब, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के महाराष्ट्र के चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, मुंबई के चेयरमैन इब्राहिम भाईजान साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के महाराष्ट्र मुंबई के प्रभारी अहमद खान साहब, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य अल्पसंख्यक विभाग की जीनल गाला जी, अब्दुल रहमान रजवी जी, और आज के इस कार्यक्रम को सजाने वाले, संवारने वाले, बनाने वाले हमारे साथी गणेश यादव जी। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मुंबई वालों, एंटाफिल वालों, आने वाली 20 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है, मुंबई के मुस्तकबिल का फैसला करना है, महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का फैसला करना है। यहां पर जो इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं, अनिल देसाई साहब जिनका चुनाव निशान मशाल है, वो राज्यसभा में हमारे साथी भी है। राज्यसभा में मैं उनके साथ, हम दोनों महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते रहे हैं। निहायत ही शरीफ इंसान है, और जब उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया कि आपको 15 तारीख को हमारे कार्यक्रम में हाजिर होना है, तो मैं उनका दावतनामा ठुकरा नहीं सका। मुझे सुबह निकलना है, कल रायबरेली में अपने नेता राहुल गांधी जी के लिए जनसभा करूंगा, कल सुबह यहां से निकलूंगा। पूरे देश में होता हुआ मुंबई पहुंचा हूं। आप बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हैं और मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में यहां उत्तर भारत के लोग इकट्ठा हैं, और खासतौर से प्रतापगढ़ और उसके आसपास। मैंने सुन रखा था ये जो इलाका है ये प्रतापगढ़ वालों से भरा पड़ा है, तो मुझे भी लगा कि चल के मुलाकात की जाए, आप सारे लोगों से आपका शुक्रिया अदा किया जाए। मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है ये सिर्फ एक आम चुनाव है, तो गलतफहमी है आपकी। अगर आपको लगता है कि ये चुनाव नाली, सड़क और पानी का चुनाव है, तो गलतफहमी है आपकी। दरअसल ये चुनाव हिंदुस्तान की तारीख का, हिंदुस्तान की इतिहास का सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल चुनाव है। ऐसे में मैं यहां खड़ा होकर के आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक विचारधारा वो है जिसमें प्रधानमंत्री मुंबई में मौजूद हैं, लेकिन 15 से ज्यादा लोग जो हादसे में मारे गए हैं उनके घर जाने के बजाय रोड शो कर रहे हैं। हम उन परिवारों तक अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, उनके साथ अपने दुख में शामिल होने की बात प्रकट करते हैं, और उनके लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं। एक तरफ वो विचारधारा है जिसके नेता ये कहते हैं, चाहे वो अरुण ग्रोविल हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, नरेंद्र मोदी जी के ये सारे साथी कहते हैं, इनके भाषण उठा के देख लीजिए, कि हमें बहुमत दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। भाजपा के नेताओं ने क्या कहा,
कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का खून पसीना शामिल है। भाजपा उस संविधान को बदलना चाहती है, सिर्फ बदलना नहीं चाहती, पूरी बेशर्मी के साथ अपने भाषणों में उनके नेता इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की वो ताकत खड़ी है जो कह रही है हमें संविधान बदलना है, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि जब तक मेरे जिस्म में एक भी सांस बाकी है, हम ना तो भारत के संविधान पर आंच आने देंगे, ना भारत के लोकतंत्र पर आंच आने देंगे। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत जरूरी लड़ाई है। महाराष्ट्र वालों, आपने तो देखा कि दिल्ली के इशारे पर किस तरह से महाराष्ट्र में चलती हुई सरकार के लोकतंत्र को लूटा गया, जनमत को लूटा गया। जब पूरा महाराष्ट्र कोरोना से उबरने की कोशिश कर रहा था, उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में यहां सरकार शानदार तरीके से काम कर रही थी, कोरोना के खिलाफ लड़ रही थी, ऐसे में दिल्ली में बैठी हुई ताकतों ने महाराष्ट्र में जनमत को लूटने का काम किया और चलती हुई सरकार को गिराया, पाप किया है। दिल्ली ने महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया है। मैं महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करता हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव दिल्ली की गुंडागर्दी के खिलाफ महाराष्ट्र के जोश और जज्बे का भी चुनाव है। और महाराष्ट्र को, मुंबई को यह दिखाना पड़ेगा कि हम जनमत लूटने वालों की दादागिरी के खिलाफ खड़े हैं। अनिल देसाई साहब को आपने बतौर राज्यसभा सांसद काम करते हुए देखा है, मैं उनके भाई की तरह आपके बीच में खड़ा हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जब 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए तो यह सोच के जाइए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके सहयोगी हैं, फडणवीस साहब हैं, बाकी नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने और धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में घूम घूम करके महाराष्ट्र में भी आए हैं तो उद्धव ठाकरे जी पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये महाराष्ट्र है, प्रधानमंत्री जी यहां की आबो हवा में बगावत है, आंदोलन है, ये आंदोलन की धरती है, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। इस धरती पर जनमत को लूटने की कोई भी साजिश बहुत दिन तक कामयाब नहीं रहती है। यह चुनाव शिंदे साहब को भी बता देगा कि असली और नकली का फर्क क्या होता है। यह चुनाव बता देगा कि साजिष करके, षड्यंत्र करके जनता को नहीं तोड़ा जा सकता, नेता तो तोड़े जा सकते हैं। आपने गौर किया मुंबई वालों, इस बीच प्रधानमंत्री जी का भाषण, हर दिन भाषण बदल रहा है, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अभी पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जी 10 साल में क्या किया है, उस पर बात करिए, तो अगर आप उनके नारों के विषय में बात करेंगे तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के नारा सुन के चिढ़ होती है अब तो, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल 58 रुपए लीटर था आज 100 रुपए के पार पहुंच गया, वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी, भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं, चिता की लकड़ी तक महंगी कर दी सरकार ने,
और ये बात करते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आगे लगाना भूल गए कि भाजपा के नेताओं से ये लगाना भूल गए, वरना उन्नाव में भाजपा का विधायक एक बिटिया से बलात्कार के आरोप में जेल काट रहा है, सोनभद्र में एक बिटिया से बलात्कार के आरोप में भाजपा का विधायक 25 साल की सजा काट रहा है। भाजपा के नेताओं ने अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपने देखा होगा कि कोर्ट ने आरोप तय किए, वो बेटियां याद हैं आपको जो ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां हैं वो कहां बैठी रही, जंतर मंतर पर उनको घसीटा गया, जब वो बेटियां अपना मेडल लेकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर गई और उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी बेटियों के साथ नहीं खड़े हुए बल्कि अपराधी के साथ खड़े हुए। यह है इनके नारों की सच्चाई। और इस बीच तो कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के बलात्कार की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि प्रधानमंत्री जी उसके लिए वोट मांगने गए थे। यह है इनका न्याय, यह है इनका शासन कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया उन्होंने और नारे की सच्चाई यह निकल के सामने आई। मुंबई वालों, यह चुनाव बहुत अहम चुनाव है और प्रधानमंत्री जी कितना भी रोड शो कर ले, उनका प्रायोजित मीडिया कितना भी आपको बताए कि भाजपा की लहर है भाजपा जीतने जा रही है, नहीं, मैं पूरे देश में प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। केरल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, मैं पूरे देश में प्रचार के कार्यक्रम करता हुआ मुंबई पहुंचा हूं। मीडिया में मोदी जी जीत रहे हैं और जमीन पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। पिछले दिनों राहुल जी ने कहा ना कि भाजपा इस चुनाव में 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी। राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी। और ये आपको आहट जो है ना वो दिख जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनिए, अभी 4 दिन पहले राहुल जी ने कहा कि किसी ना किसी मंच पर जल्दी ही प्रधानमंत्री जी रोएंगे। कल रोए वो, देखा आपने कि नहीं? कल जब रोए तो मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री जी रो दिए, बड़ा भावुक हो गए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा किसी का शेर है कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये हुनर आता है उन्हें, कलाकारी में अदाकारी में कोई जवाब नहीं। अमिताभ बच्चन जी तो बहुत छोटे कलाकार हैं उनके सामने, अदाकार हैं वो, मैंने देखा है उनको पार्लियामेंट में, सुना है उनके सामने बैठ करके उन्हें। लेकिन इतना जान लो मुंबई वालों के इस चुनाव में किसी भी कीमत पर भाजपा सरकार में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। और अगर भाजपा नहीं आ रही है तो जो जोड़ तोड़ के उनके सहयोगी हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हमने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। हमने देखा है किस तरह से उन्होंने समझौता किया, किस तरह से राज्य की अस्मिता के साथ समझौता किया। ऐसे में ये लोकसभा इस बात का सबूत पेश करेगी अनिल देसाई साहब को, एक एक वोट मशाल के सामने वाला बटन दबा करके देगी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक लोकसभा में चुनाव हरवाना जितवाना नहीं है, हमारा मकसद दिल्ली की गद्दी से भाजपा की विदाई है, एनडीए की विदाई है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देश का हर वो राज्य उठा करके देख लीजिए जहां भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, हर उस राज्य में भाजपा आधे से ज्यादा सीटें हारने जा रही हैं। मैं पूरे देश में होके आ रहा हूं, पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है
कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। कुल मिलाकर के 150 से 180 के बीच में आंकड़ा रहना है। ऐसे में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने कहा ना, अनिल भाई से मेरी मुलाकात तब हुई जब मैं राज्यसभा में शपथ लेने के लिए गया। मुझे लगा एक पढ़ा लिखा विनम्र इंसान, शराफत जिनके चेहरे पर है, वो राज्यसभा में आपके राज्य की नुमाइंदगी करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। और इस बार इंडिया गठबंधन ने, उद्धव ठाकरे साहब ने उनको यहां पर लोकसभा का प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं अपने कांग्रेस के तमाम साथियों से यह कहने आया हूं, अपील करने आया हूं, और खास तौर से उत्तर भारत के तमाम साथियों से यह अपील करने आया हूं कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। कोई कितना भी हिंदू मुसलमान करे, मंदिर मस्जिद करे, उससे कह दो कि नहीं, यह सारे भाषण अपने पास रखो, हमें इस बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना है। हम उसके लिए वोट करेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर इस बार चूके तो शायद फिर कभी नहीं। 2024 में चूकने का मतलब है आने वाले सालों में देश में चुनाव होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह चुनाव आखिरी मान करके वोट करने जाइए, और जब घरों से निकल करके जाइए और मशाल के सामने वाला बटन दबाइए तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपका वोट सिर्फ अनिल देसाई जी को जाएगा। नहीं, आपका वोट अनिल देसाई के साथ साथ मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका एक एक वोट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जाएगा। आपका एक एक वोट सोनिया गांधी जी को जाएगा। आपका एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को जाएगा। आपका एक एक वोट उद्धव साहब ठाकरे जी को जाएगा। आपका एक एक वोट शरद पवार साहब को जाएगा। आपका एक एक वोट आपके भाई इमरान प्रताप गढ़ी पर आपका एहसान होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। मुझे पता है आप इस शदीद गर्मी में खड़े हैं, मैं भी पसीने पसीने होकर के यहां खड़ा हूं। इसलिए यहां पसीने पसीने होकर खड़ा हूं कि दिल्ली की गद्दी में बैठे हुए शहंशाह के पसीने छुड़वाने हैं। इसलिए क्योंकि ये चुनाव, मैंने कहा ना, बहुत जरूरी चुनाव है। बहुत सारे लोगों ने साजिशें की और उन्होंने सोचा कि हम नेताओं को तोड़ लेंगे तो शिवसेना समाप्त हो जाएगी, नेताओं को तोड़ लेंगे तो एनसीपी समाप्त हो जाएगी, नेताओं को तोड़ लेंगे तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। नहीं, मैं तो भाजपा के लोगों से कहूंगा कि देखो, देश भर में, देश के हर राज्य में उठा के देखो, तुम नारा लगाते थे कांग्रेस मुक्त भारत का, आज उठा करके पूरे देश में देखो, इंडिया अलायंस की आंधी चल रही है। इंडिया अलायंस के गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए पूरे देश में जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो ये बता रहा है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र, कोई भी राजनीतिक साजिश जनता का मन नहीं बदल सकती है, और महाराष्ट्र इस बात का सबूत है। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। जब वो शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक आदमी सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस आदमी के पास गया और उसे जोर की एक लात मारी, और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, पूरा शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या ऊपर वाले के दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक लात मारने वाले के हाथ में दे दी है?
तो मुंबई वाले बताओ मुझे, लात तो हमको आपको भी पड़ी ना, महंगाई की लात पड़ी, नोटबंदी की लात पड़ी, जीएसटी की लात पड़ी, कारोबार बर्बाद कर दिया गया, फिर कोरोना के दौरान ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया गया, ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया गया कि जिनके बनाए हुए वैक्सीन हमारी आपकी रगों में दौड़ रहे हैं, और कब कौन किस जिम में, कब कौन किस जगह वर्कआउट करता हुआ, कहां चलता हुआ दम तोड़ दे रहा है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। मैं पार्लियामेंट में खड़ा हुआ जब मैंने इस तरह की तस्वीरें देखी थी कोविड के वैक्सीन के लगने के बाद, तो मैंने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया। मैं हेल्थ कमेटी का सदस्य हूं, मैंने वहां यह मुद्दा उठाया कि अब 20-20 साल के नौजवान हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इस पर जांच कमेटी बननी चाहिए। लेकिन जांच कमेटी कैसी बनती जब इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वैक्सीन का ठेका देने से पहले ही 50 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा लिया गया, तो कमेटी बनती कैसे। और अब तो लंदन में कोर्ट में कंपनी ने यह माना कि हां वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। मुझे बताओ मुंबई वालों, ये हमारी आपकी जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं है तो क्या है। मैं कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य हूं। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, कह रही है कि सरकार बनते ही ये 5 किलो अनाज देते हैं, हम 10 किलो अनाज देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे ही सरकार बनेगी हम फर्जी आंकड़े नहीं देते, हम 30 लाख नौकरियां देंगे नौजवानों को। और यहां महिलाएं बैठी हैं, माएं बहनें बैठी हैं। हमारी पार्टी कह रही है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम हर गरीब परिवार की महिला के अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपया सालाना देंगे। ये हमारा वादा है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये चुनाव, ये सोच करके घरों से बाहर निकलिए कि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ भाजपा और उनके सहयोगियों के, शिंदे साहब के नेताओं के झूठे भाषण हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन की सच्ची बातें हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का झूठ है, एक तरफ उद्धव साहब ठाकरे और राहुल गांधी की सच्ची बातें हैं, एक तरफ उनके नेताओं के फर्जी वादे हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं के संविधान बचाने के दावे हैं। आपको यह तय करना है कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना है। फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। भाजपा के नेताओं और आपके यहां जो सरकार चल रही है उनके नेताओं के झांसे में मत आना। वो भाजपा के एक मंत्री जो है वह गांव में पहुंचे, बड़ा मजे का एक मिनट का एक वाक्या सुनिए। गांव में पहुंचे और पहुंच के उन्होंने गांव वालों से कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव के लोग भोले भाले थे, वो इकट्ठा हो गए। मंत्री ने कहा बताओ दो समस्या बताओ, आज हम तुम्हारी समस्या समाप्त करेंगे। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दो समस्या है, पहली है कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो मंत्री जी ने अपना मोबाइल निकाला, झूठ देखिए किस तरह परोसते हैं, अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और फिर लगे डांटने कि इस गांव में मुझे कल तक हॉस्पिटल चाहिए, इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, मैं गांव में आया हुआ हूं। ये कहकर के फोन रख दिया और गांव वालों से कहा मैंने तुम्हारी पहली समस्या समाप्त कर दी, कल तक हॉस्पिटल खुल जाएगा, दूसरी समस्या बताओ। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं। यह है भाजपा की राजनीति, यह है उनके साथियों की राजनीति, सिर्फ झूठ और झूठ। आपकी जेब में जो रहा, जो पैसा पहले था वो भी ले लिया गया। नोटबंदी याद है ना, या माए बहने बैठी हैं, आपने अपने घर वालों से छुपा करके पल्लू में बांध के रसोई में आटे के डब्बे में जो 500 की 100 की नोट रखी हुई थी ना, मोदी जी एक दिन रात के 8 बजे चैनल पर आए, बोले भाइयों बहनों आज से ये पैसे कागज के रद्दी हैं, इनको लाइए बैंक में जमा कर दीजिए। सारा का सारा पैसा जो आपने अपने घर वालों से छुपा करके बचा करके रखा था कि किसी मुसीबत में परिवार के काम आएगा, उसे बैंक में जमा करा लिया और फिर टेम्पो भर भर के किसको दिया कुछ पता नहीं है। और अब तो आजकल उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि अडानी और अंबानी तो कांग्रेस को टेम्पो भर भर के पैसा दे रहे हैं।
मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपके पास ईडी है, सीबीआई है, सारी एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है, कब जांच करवाइएगा ये टेम्पो में जो भर भर के पैसा आ रहा है। अगर आप जांच नहीं करवा सकते तो जिस दिन आपने ये बात कही कि अडानी और अंबानी कांग्रेस को टेम्पो भर भर के पैसा दे रहे हैं, दरअसल उसी दिन भाजपा के हारने की शुरुआत हो चुकी थी और आधिकारिक घोषणा हो चुकी थी। ये आपका डर बोल रहा था। प्रधानमंत्री जी इंडिया गठबंधन के नेताओं को कहते हैं कि ये तो शहजादे हैं। वो कभी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, कभी उद्धव साहब ठाकरे को शहजादा कहते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, एक इंसान 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला जिसका नाम राहुल गांधी है, एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में लाखों लोगों को गले से लगाता हुआ, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वो इंसान 4000 किलोमीटर चला और आप उसे शहजादा कहते हैं। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादों को हम पलकों पर बिठाएंगे जो आम लोगों को गले से लगाता है। और एक तरफ आप खुद को फकीर बताते हैं, भाई कैसा फकीर जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, मोबाडो का चश्मा पहनता है, मोबाडो की घड़ी पहनता है और 8.5 करोड़ के जहाज में दुनिया घूमता है। फकीर ऐसे होते हैं? देश तय करेगा कि शहजादा कौन है और फकीर कौन है। मैं तो आपके बीच में ये कहने आया हूं मेरे भाई कि अनिल देसाई हमारे अपने हैं, अनिल देसाई साहब इंडिया गठबंधन के मजबूत प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं तो इसलिए अपना दामन फैलाने आपके बीच में आया हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आए और ये तय हो कि दिल्ली की गद्दी पर इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बैठेगा, वो प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहा हो तो एक तरफ इमरान प्रताप गढ़ी खड़े हो, एक तरफ अनिल देसाई खड़े हो, तब मुझे लगेगा कि वो सपना साकार हुआ है। मैं उस सपने को पूरा करने के लिए यहां आया हूं और ये चुनाव ही तय करेगा कि आने वाले दिनों में जनमत लूटने वालों की महाराष्ट्र में क्या दुर्गति होगी, क्योंकि साल भर भी नहीं बीतेगा, यहां भी तो चुनाव होंगे। तो दिल्ली का चुनाव न सिर्फ दिल्ली की गद्दी का फैसला करेगा बल्कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति का भी फैसला करेगा। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन मोहब्बत के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है। हम नफरत की बात नहीं करते, हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम आपसे मोहब्बत के नाम पर, प्यार के नाम पर, प्रेम के नाम पर, आपसी भाईचारे के नाम पर वोट मांगने आए हैं। और यहां जितने साथी खड़े हैं उत्तर भारत के मेरे, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि इस चुनाव में शिद्दत से पार्टिसिपेट करिए। अनिल देसाई साहब की जो मशाल है इसकी लौ को और बढ़ाइए, क्योंकि जब तक दुनिया में आप क्रांति की कोई भी उम्मीद करेंगे तो बिना मशाल के क्रांति नहीं हो सकती है। तो इस क्रांति के लिए आप सबको साथ आना पड़ेगा। गर्मी बहुत है, पसीने पसीने होकर के मैं भी माइक पर खड़ा हूं, आप भी नीचे मुझे पूरा विश्वास है कि पसीने पसीने होकर खड़े होंगे, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं वही मोहब्बत निभाने आपके बीच में आया हूं और आप भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सांसद बनने के बाद ऐसा कोई मौका नहीं लग पाया था कि आपका शुक्रिया अदा करने, आपका धन्यवाद अदा करने आ सकूं। और अभी आया भी तो बिल्कुल चुनावी माहौल में आपके बीच आया हूं। और गणेश यादव जो हमारे साथी हैं, पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, इन्होंने जब ये कार्यक्रम रखा और अनिल देसाई जी का मुझे फोन आया कि इमरान भाई आपको आना है, मैं कल बांद्रा ईस्ट में था वर्षा गायकवाड़ जी के लिए, आज यहां हूं, कल रायबरेली रहूंगा, परसों बिहार रहूंगा, लगातार देश के अलग अलग हिस्से में जा रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं कि टीवी चैनल देखना बंद करिए, असली जो माहौल है वो देश की जनता बता रही है, सोशल मीडिया बता रहा है,
कि इस बार किसी भी कीमत पर भाजपा की सरकार दिल्ली में पलट के नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। मैं ये देख के आया हूं, ये सारे नारे झूठे हैं अब की बार इतने पार, ये तो झूठा ही है। क्योंकि 15 लाख का जुमला याद है, जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे ये भी है, वो भी सच्चा साबित नहीं हुआ, ये भी सच्चा साबित नहीं होगा। इस बार जमीन पर बहुत शानदार माहौल है, ये चुनाव इस देश के 700 किसान जो शहीद हुए हैं उनकी मौत का, उनकी शहादत का बदला लेने का चुनाव है, ये चुनाव महंगाई के खिलाफ वोट करने का चुनाव है, ये चुनाव आपकी रसोई से आपका पैसा छीनने वालों के खिलाफ वोट देने का चुनाव है, ये चुनाव पूरे देश में नफरत की आग लगाने वालों के जवाब देने का चुनाव है, ये चुनाव महाराष्ट्र के जनमत को लूटने का चुनाव है। मैं इसलिए अपनी नई नस्लों से, बुजुर्गों से, माओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से यह कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में पहले नंबर पर है ना, ईवीएम में पहले नंबर का जो निशान है इस लोकसभा में वो है मशाल। अनिल देसाई साहब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जितने भी शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे साहब गुट के लोग हैं, शरद पवार जी गुट के लोग हैं, कांग्रेस के जितने साथी हैं, मैं उन सब से अपील करता हूं कि इस चुनाव में मजबूती के साथ भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आइए, वोट दीजिए, अनिल देसाई साहब को पार्लियामेंट पहुंचाइए। एक वादा आपसे करता हूं कि अनिल देसाई साहब को लोकसभा पहुंचाइए, वो लोकसभा में आपके मुद्दों पर खड़े होकर के लड़ेंगे, मैं राज्यसभा में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। अच्छा ऑफर है, एक जिताइए साथ में एक फ्री पाइए, एक के साथ एक फ्री, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है। और मेरा तो सौभाग्य यह है कि मैं आपका ही प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि पूरे मुंबई में इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों के लिए मेरी आपसे अपील है कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को, परिवारजनों को, मित्रों को, सबको अपील करिए, उनसे कहिए कि बाद में बाकी मुद्दे देखेंगे, इस बार तो डॉक्टर बाबा साहब का संविधान सरांखों पर रखना है, आगे बढ़ना है, संविधान बचाना है, और देश के प्रधानमंत्री ने झूठे वादे किए थे उन वादों का जवाब लेना है। उनसे पूछना है कि जब उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, और उसके बाद पूरा देश देख रहा है कि चौकीदार ने कैसी चौकीदारी की, मैं तो देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर भी उनसे सवाल पूछता हूं और यहां भी उनसे पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। आप बड़ा भाषण सुन के थक गए थे तो मुझे लगा थोड़ी सी शायरी नहीं सुनाऊंगा, तो आप कहेंगे कि देखो अब शायरी भी नहीं सुना रहा है, सिर्फ भाषण सुना के जा रहा है, थोड़ा माइक बेहतर कर दे। मैंने देश की पार्लियामेंट में भी खड़े होकर के पूछा है और यहां भी पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इतना कमजोर ताली बजाइएगा तो लगेगा कैसे कि आप लोग खड़े हैं भाई। वो कहावत याद है ना, 100 पढ़ाना एक प्रतापगढ़ा, याद है ना। तो आवाज जो है ना वो सिर्फ मुंबई नहीं दिल्ली तक जानी चाहिए, और आज तो दिल्ली नहीं इतनी जोर से पहुंचाओ कि रोड शो जो कर रहे हैं साहब ना उनके कान तक तो जरूर ही जाए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आपका समर्थन अनिल देसाई जी को हिम्मत देगा, ताकत देगा, हौसला देगा, क्योंकि एक तरफ सत्ता है, शासन है, एजेंसियां हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग है, और हम जिनसे लड़ रहे हैं वो बड़े शातिर लोग हैं, उनके पास धनबल है, बाहुबल है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास क्या है,
हमारे पास जनता है, जनता की ताकत है, और यही जनता अहंकारी शासकों को कब सत्ता से उतार करके जमीन पर बिठा देती है उनको पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूं उनसे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला यार बड़े समझदार लोग हैं, मुंबई के लोग हैं, इन्हें बताना नहीं पड़ता, ये अपने आप समझ जाते हैं कि किसके लिए बात की जा रही है। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। वो एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी बोले, बताओ 70 साल में कांग्रेसियों तुमने क्या किया। इधर खड़गे जी बैठे थे, पलट के मेरी तरफ बोले, इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना, वो तो सच में दिल्ली तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जिनका नाम आ रहा है वो बेचारे दिल्ली में ही बैठे रहते हैं अपने कमरे में, तो मैं चाह रहा हूं उनके उनके पास तक जरूर यह पंक्ति पहुंचे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। 20 मई को घरों से बाहर जाइए, ईवीएम की मशीन में पहले नंबर का मशाल का बटन दबाइए और एक नारा लगाइए कि 20 मई भाजपा गई, 20 मई भाजपा गई, 20 मई, ये नारा लगाइए। अनिल देसाई साहब को बड़े मतों के अंतर से चुनाव जिताइए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके मुद्दों पर अनिल देसाई साहब देश की पार्लियामेंट में लड़ेंगे, यहां अपने स्टेट में भी अपनी सरकार से जरूरत पड़ी तो आपके मुद्दों पर लड़ेंगे, और मैं भाई की तरह उनके कंधे से कंधा मिलाकर के देश की राज्यसभा में आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। बुनियादी मुद्दों पर हम काम करना चाहते हैं, ऐसे में मेरी आपसे अपील है कि इस चुनाव में आज से इस चुनाव को खुद इस चुनाव में प्रत्याशी मान के आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपसे जाते जाते अंतिम दो बातें कहता हूं। आपकी एक दिक्कत यह है कि आप सब जो सुबह जब चाय की दुकान पे वड़ा पाव और चाय पी रहे होते हैं, वड़ा पाव खा रहे होते हैं ना, तो 2 मिनट में सरकार बदल देते हैं और 2 मिनट में नई सरकार बना देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है, आपको लगता है कि कौन परेशान हो, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, अनिल देसाई तो चुनाव जीत ही रहे हैं। नहीं, अपने एक एक वोट का महत्व समझिए, एक एक वोट की अहमियत समझिए, और 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, न सिर्फ खुद निकलिए बल्कि परिवार में, मोहल्ले में जितने वोट हैं सबको लेकर निकलिए। जाइए, मन में एक बात बिठा के जाइए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस बार चूके तो आने वाले वक्त में इस देश में चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपना वोट बचाने के लिए, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, महाराष्ट्र में जनमत के लुटेरों के खिलाफ जाकर वोट करिए, और अनिल देसाई जी को मशाल के सामने वाला बटन दबा करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाइए। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो मेरी नजरें इस पार्लियामेंट पर रहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे आने को जाया नहीं करेंगे, मेरे आने को मायूस नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं यहां जितने भी साथी मौजूद हैं सब अपना हाथ उठा करके मुझे विश्वास दिलाएं, यकीन दिलाएं।
कि आप सारे लोग अपना एक एक वोट लेकर के अनिल देसाई जी के लिए बूथ पर जाएंगे, उन्हें जिताएंगे। 4 जून को रिजल्ट आएगा, मैं वादा करता हूं कि उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर आपके बीच में आऊंगा। और तब तक मैं आपका हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके परिवार का हूं, आपके गांव का हूं, आपके मोहल्ले का हूं। जब भी मेरी जरूरत महसूस हो, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा लगा आप इतनी तादाद में यहाँ पर आए। अगले 2 मिनट बचे हैं, उसका सदुपयोग कर लेना। के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। अभी लाइन पर उठे आपका हाथ, के आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। 20 मई और दौर से 20 मई और दौर से 20 मई 20 मई 20 मई 20 मई बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।